के पाठक बोरा में पैसा तसीले हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के नाम, आउटसोर्सिंग एजेंसी के मामले में। शिक्षा विभाग राजद के कोटे के मंत्री हम भी हैं, तो वो जदयू कोटे की जांच नहीं करेंगे, बीजेपी कोटे की जांच नहीं करेंगे। एक अधिकारी का ये मजाल हो गया है कि वो दोनों ही बार इस घोषणा के बावजूद वो अपनी बात पर टिका हुआ है। के पाठक जो है वो महामूर्ख मंत्री है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ऊपर है। बिहार के महामूर्ख मंत्री अगर कोई है तो के पाठक। इसलिए मैंने मांग किया था कि 2015 से लेकर आज तक का जांच कराइए और गांव से लेकर शहर तक का जांच कराइए। के पाठक अपने पैर के नीचे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को रखते हैं, जब मुख्यमंत्री का ही बात का वैल्यू नहीं है। और ये गाली दिया है शिक्षकों को, आप लोग जानते हैं, ये गाली दिया है, वीडियो है मेरे पास। सदन की अवहेलना कर दे, मुख्यमंत्री की बात को न सुना और दो दो दिन बोलने के बाद भी नहीं सुना, तो वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ईमानदार अगर है तो जांच करा दीजिए ना, 2015 से आज तक का मांग किए हैं, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर है। आप लोग विधानसभा में भी उठा रहे थे के पाठक को लेकर, और परिषद में भी उठा, बीजेपी के लोग भी नाराज हैं, जेडीयू के भी जो एमएलसी हैं वो भी नाराज हैं। अरे भाई, मैं शिक्षा मंत्री के कार्यकाल जो मेरा रहा है, विधानसभा में मेरा वक्तव्य है, मैंने स्वयं से 2015 से लेकर के आज तक की जांच का मांग किया है। जांच लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर शिक्षा विभाग इशू है, शिक्षा विभाग राजद के कोटे के मंत्री हम भी हैं, तो वो जदयू कोटे की जांच नहीं करेंगे, बीजेपी कोटे की जांच नहीं करेंगे। इसलिए मैंने मांग किया था कि 2015 से लेकर आज तक का जांच कराइए और गांव से लेकर शहर तक का जांच कराइए। क्यों नहीं हो रही जांच, अब बताइए? इसका मतलब है कि सरकार के जो सत्ता प्रतिष्ठान पर बैठे हुए सत्तासीन लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को नेपथ्य से संचालित कर रहे हैं, वो लोग जाँच नहीं चाहते। सीधी बात है, इसका मतलब है कि वित्तीय नियमावली का उल्लंघन है, वित्तीय अनियमितता है, और रूल सब है यूटी बिजनेस का तो भारी उल्लंघन है। ये सारे उल्लंघन से, ये जो वित्तीय अनियमितता है, वित्तीय नियमावली का उल्लंघन है, और ढंग की कई ढंग की अनियमितताएँ हैं, मैं समझता हूँ हजारों करोड़ में जाएगा अगर जाँच होगी तो, क्यों बच रहे हैं? दूसरा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा किए हैं कल विधानसभा में कि साहब 9:45 से 4 बजे तक होगा, बच्चे 10 से 4 पढ़ेंगे। वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऊपर से अलग से चिट्ठी निकल रही है, देखिए कल चिट्ठी निकली है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बड़ा कौन है भाई, ये कल की चिट्ठी है, ये मैंने ये डीओ लो निकाल रहा है ना, इसका मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी अब हैं भी कि नहीं, अब तो चिंता की बात है राज्यवासी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन के फ्लोर में दिया गया मैंने आश्वासन भी अगर लागू ना होता हो, ये चिंताजनक है, घोर चिंताजनक है। और ये गाली दिया है शिक्षकों को, आप लोग जानते हैं, ये गाली दिया है, वीडियो है मेरे पास, ये शिक्षक समुदाय को गाली दिया है। इसलिए जिसको बर्खास्त करना चाहिए उसको ईमानदारी का तगमा दे रहे हैं। जांच करा लें, ईमानदारी पता चल जाएगा कितना। कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि कितने ईमानदार अफसर हैं, किसी को नहीं सुनते हैं। वही ना, तो ईमानदार अगर हैं तो जांच करा दीजिए ना, 2015 से आज तक का मांग किए हैं, तो जांच कराने में क्या दिक्कत है? जांच करानी चाहिए। इस तरह के गालीबाज अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, और मुख्यमंत्री के निर्देश का अनुपालन ना करता हो तो मुख्यमंत्री को स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेकर के कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, पर जिस तरीके से जेडीयू के एमएलसी हैं गुलाम गौस कह रहे हैं कि इनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, किनका के पाठक जी का? अरे भैया, हम कहते बर्खास्त होने लायक है तो बर्खास्त होने लायक है, जदयू बीजेपी सब लोग हैं इसमें। के पाठक जो है वो महामूर्ख मंत्री है, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ऊपर है। बिहार के महामूर्ख मंत्री अगर कोई है तो के पाठक है। के पाठक बता तो रहे हैं, के पाठक अपने पैर के नीचे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को रखते हैं, जब मुख्यमंत्री का ही बात का वैल्यू नहीं है। बिहार विधानसभा के अंदर सदन में उन्होंने जवाब दिया था कि भाई स्कूल जो है वो 9:30 बजे से चलेगा, लेकिन उसके बावजूद 8:30 बजे शिक्षकों को बुलाया जा रहा है। अब बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जो बोलते हैं वो उसका वैल्यू नहीं है, तो बिहार के महामूर्ख मंत्री अगर कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है के पाठक। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री को पैर के नीचे रखते हैं, आपके कोटे के शिक्षा मंत्री थे उन्हें भी अपने पैर के नीचे रख रहे थे, तो हम लोगों ने तो उनको इलाज करने का काम किया के पाठक को, और जो वो करके भेजते थे उस पर
हम लोग एकदम नहीं काम करते थे। जो जनता के हित में काम रहेगा वही हम लोग करेंगे। जो सामाजिक न्याय की सरकार में जो काम हो रहा था, जनता की सरकार थी उसमें जो काम हो रहा था वो रोजगार के लिए काम हो रहा था, नौकरी के लिए काम हो रहा था, शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए काम हो रहा था। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो डबल इंजन की सरकार है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। बस ये लोग एक दूसरे को टांग खींचने में लगे हुए हैं। एक एक डिप्टी सीएम के पास 9-9 विभाग है, क्या काम करेगा भाई? एक दिन में 9 विभाग में बैठ सकता है क्या मंत्री? लोगों को बहुत सारे संवैधानिक कार्य करने रहते हैं, बहुत सारे विकास के कार्य के लिए कार्य योजना तैयार करना होता है, लेकिन ये लोग को पास समय ही नहीं है। बिल्कुल भारी है, मुख्यमंत्री से ऊपर महामूर्ख मंत्री के पाठक। लेकर के हंगामा तो हो ही रहा है। बिहार की जनता भी देख रही है कि दो दो बार सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री किसी बात की घोषणा करते हैं और एक अधिकारी का ये मजाल हो गया है कि वो दोनों ही बार इस घोषणा के बावजूद वो अपनी बात पर टिका हुआ है। कल रात में जो शिक्षा विभाग की तरफ से अलग अलग डीओ की तरफ से जो लेटर जारी हुए हैं उसमें यही कहा गया है कि 9:45 में स्कूलों की जांच शुरू कर देनी है, यही आदेश फिर दे दिया गया। तो आप बताइए कि भाजपा और जदयू के राज में क्या अधिकारियों को ये खुली छूट है कि वो पूरे लोकतंत्र की अवहेलना कर दे, सदन की अवहेलना कर दे, मुख्यमंत्री की बात को ना सुने और दो दो दिन बोलने के बाद भी नहीं सुना? तो वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार विधान परिषद में जो मुद्दा उठा है कि वो बात बात में गाली गलौज करते हैं, ये भी बात सही है, ये उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। सबूत दिए हैं, पेन ड्राइव में भर के सबूत दिए हैं, सोशल मीडिया में सब जगह है। वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित तौर से होनी चाहिए। क्या लग रहा है के पाठक किनकी सुन रहे हैं? क्योंकि के पाठक बोरा में पैसा तसीले हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के नाम, आउटसोर्सिंग एजेंसी के मामले में। जो बिना टेंडर के हर जिले में स्कूलों में टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट पे बहाली के लिए जो एजेंसियों को ठेका दिया गया बिना किसी टेंडर के, तो ऐसे तो नहीं दिया गया। लोगों ने पैसे पहुंचाए हैं तो वो बोरा में तसील रहे हैं, तसील करके कहीं पहुंचाएंगे, इसलिए उनको संरक्षण मिल रहा है, यही कहना है। गड़बड़ी कहां से हो रही है? अरे गड़बड़ी आपको समझ में नहीं आ रहा कि बिहार में जितने यूनिवर्सिटी हैं उसमें 4 कंपनियों को सूची जारी कर दिया के पाठक ने? यही चारों कंपनी जो है वो ठेका टीचर का बहाली करवाएंगे, गेस्ट फैकल्टी का। तो किस प्रक्रिया से ये हुआ, ये 4 कंपनी ही क्यों, कोई और 4 कंपनी क्यों नहीं? हमारा सवाल है कि किनके इशारे पे काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? तो आदेश दे रहे हैं, मंत्री के इशारे पे हो रहा है। मुख्यमंत्री सचिवालय में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पे हो रहा है, जो उनके पास पास अधिकारी हैं उनके इशारे पे हो रहा है, जिनके कंप्लीटली कंट्रोल में मुख्यमंत्री चल रहे हैं उस तरह के नेताओं के इशारे पर हो रहा है, और किसके इशारे? मुख्यमंत्री जी कल सदन में कह रहे थे कितने ईमानदार अफसर है। तो ईमानदार है तो आप जांच करवा लीजिए कि भाई एजेंसियों को ठेका आपने कैसे दिया, आउटसोर्सिंग एजेंसियों को। ईमानदार है तो इसकी जाँच करवा लीजिए, बिना कोई सी टेंडर का आप किसी को ठेका दे दे रहे हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए ना। चलिए जांच होनी चाहिए। क्या कुछ कर रहे थे जो संदीप सौरभ है, मालिक विधायक है, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, तमाम जो बयान है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। क्या कुछ करना था, तमाम मुद्दे को लेकर अभी आप सुन रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।